सफल होना है तो जिंदगी की चुनौतियों से मत डरिए। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं द बिंज लिसनर्स। अजब चराग हूं दिन रात चलता रहता हूं, अजब चराग हूं दिन रात चलता रहता हूं, मैं थक गया हूं, हवा से कहो बुझाए मुझे। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में चुनौतियां ना आती हो, और जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं है उनका सफल होना निश्चित है। हम सब जानते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब हम सातवें आसमान पर होते हैं, और कभी एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब हम कुछ भी नहीं होते हैं, परेशान हो जाते हैं, सामने आई मुसीबतों से हम डर जाते हैं और पूरी तरह से हार मान लेते हैं। लेकिन ये आपकी परीक्षा का समय है जब आपको जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना है। जीवन में चुनौतियां क्यों जरूरी होती हैं? जिस प्रकार मेहनत आपके हुनर को निखारती है, उसी प्रकार जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको अंदर से मजबूत करती हैं। जब आप एक चुनौती का सामना कर आगे बढ़ते हो तो आपके हौसले और भी मजबूत होते जाते हैं। इंसान के जीवन में जितनी चुनौतियां होंगी वो उतना ही अपनी जिंदगी से सीखेगा और साथ साथ उतना ही वो ग्रो भी करेगा। इसलिए जीवन में चुनौतियां जरूरी हैं। मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत न हारिए, मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत न हारिए, हिम्मत है शर्त, साहिबे हिम्मत से क्या न हो। जीवन संघर्ष से भरा होता है और उसमें चुनौतियां तो आएंगी, और इनको सहन किए बिना जो हिम्मत हार जाते हैं, सफलता उनसे दूर भाग जाती है। मुश्किलें ही एक दिन समाप्त होती हैं, साहसी व्यक्ति का साहस नहीं। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक वक्त की बात है, किसी पक्षी दंपत्ति के यहाँ एक चूजा पैदा हुआ। बहुत छोटा होने के कारण वो हमेशा अपने घोंसले में ही रहता, दिन रात चिचियाता, खाना मांगता और अपने माता पिता के साथ मजे करता। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसके पंख भी लगाए। वो हमेशा अपने घोंसले में ही रहता पर वो उड़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको उड़ने में डर लगता। उसके माता पिता ने उसे आकाश में उड़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, उसे अपने पंखों पर भरोसा दिलाया, बहुत जतन किया, पर वो आकाश को देखते ही डर के मारे आंखें मूंद लेता, हिम्मत दिखाए बिना ही हार मान लेता और अपने घोंसले को और मजबूती से पकड़ लेता। ये देख उसके माता पिता परेशान रहते और एक दूसरे से कहते कि अगर ये अब नहीं उड़ेगा तो फिर कब और कैसे उड़ना सीखेगा, ऐसे तो वो और कमजोर होता चला जाएगा। फिर एक दिन सोच विचार करके आखिरकार पक्षी दंपत्ति ने एक योजना बनाई और अपने बच्चे को घोंसले से धक्का मार दिया। बच्चा घोंसले से नीचे गिरता गया, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ और पक्षी दंपत्ति देखते हैं कि उनका बच्चा जमीन पर गिरता, लेकिन उससे पहले ही झटके से उसके पंख खुल जाते हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन फिर उसने डर को मात दी, हिम्मत की उड़ान भरी और अपने पंखों पर भरोसा करते हुए एक पल भी वहां ठहरे बिना आकाश में उड़ता गया, मानो किसी ने उसे नया जीवन दिया हो। वो आकाश में हर्षोल्लास से भरा हुआ कुछ देर उड़ता ही रहा। ये सब देख उसके माता पिता बहुत खुश हुए, और फिर कुछ देर बाद चूजा फड़फड़ाता हुआ वापस अपने घोंसले में पहुंच गया।
अपने माता पिता के आंचल में जा पहुंचा। यदि आप भी उस चूजे की तरह मन की मानते रहोगे तो घोंसले से आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मन को समझाओ, उसे तैयार करो। ज्ञात से अज्ञात में उड़ान भरने में डर जरूर लगेगा, पर जिसने आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया वो अपने प्रयास को प्रमोद की सीढ़ियों पर नहीं बैठने देगा और उड़ता ही चला जाएगा। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। मानव जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना इतना सहज सरल नहीं है। इंसान को उपलब्धियों की राह पर कदम दर कदम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी उपलब्धि बिना चुनौतियों का सामना किए हासिल नहीं होती है। इसलिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले मनुष्य को अपने मन मस्तिष्क को चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। जीवन एक खेल है, इसमें आपको चुनौती तो हर क्षेत्र में मिलेगी, और जहां हम चुनौती स्वीकार करते हैं वहीं सफल भी होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि हम वो काम नहीं करना चाहते पर किसी से चुनौती मिलती है तो हम वो काम कर लेते हैं। बिना चुनौतियों के तो किस्मत के धनी लोगों को ही उपलब्धि प्राप्त होती है। उपलब्धि के लिए चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। परिस्थितियां भी कई बार विषम हो जाती हैं, पर उन सब का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य पर निर्बाध गति से बढ़ते जाने से लक्ष्य की सिद्धि होती है। अगर हम यहां सोचें कि जीवन तो बड़ी ही मुश्किलों से भरा है तो जीने में वो आनंद नहीं रहेगा। हमें ना बस एक काम करना है, अपने नजरिए को परिवर्तित करना है, फिर देखो जीवन का कमाल। उम्मीद है ये काम जरूर करेंगे आप। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल बिंज लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।